अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा पॉइंटिंग डिवाइसेस का टॉपिक जो है वो स्टार्ट है, जिसमें हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है और उसके साथ हमने जो डिफरेंट किस्म की पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं उनके नेम भी हमने यहाँ से देखे कि हमारे पास 9 तरह की पॉइंटिंग डिवाइसेस यहाँ बयान की गई हैं। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है उसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि ऐसी इनपुट डिवाइस जो कि स्क्रीन पे कर्सर को पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती उसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। और ये जो एरो होता है या हमारा कर्सर जो है या पॉइंटर हम जिसको कह रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पे आपको जाहिर हो रहा होता है जिसको आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये हमारे पास होता है पॉइंटर होता है। ये यहाँ पे मैंने इसको सर्कल भी किया हुआ है। और डिफरेंट तरह की हमारे पास डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं जो हम लोग स्क्रीन पे कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन सारों की तफसील हम पढ़ चुके हैं। नेम हम यहाँ से पढ़ते हैं और फिर बाद में इसको फर्दर देखते भी हैं कि हमारी कितनी डिवाइसेस यहाँ तक कवर हो चुकी हुई हैं। 7 हमने यहाँ तक पढ़ ली हुई हैं अब तक और 2 हमारे पास जो हैं वो अभी रहती हैं, वो आज के टॉपिक में इंशाल्लाह कवर होंगी। तो हमारा ये टॉपिक जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइसेस वाला। माउस भी हमने जो है वो देख लिया हुआ है। माउस ये देखें, हमने सारा पढ़ा हुआ है, माउस की डेफिनेशन भी और माउस की वर्किंग भी, उसका स्ट्रक्चर भी फंक्शन भी सारा हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास यहाँ पे ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल भी माउस की तरह होता है, सिर्फ फर्क ये है कि इसकी बॉडी को हमें मूव नहीं करना पड़ता, जहाँ ये हमने रखा हुआ है उधर से ही इसको यूज करेंगे। इसके ऊपर रोटेटिंग बॉल एक होती है जिसको हम फिंगर से मूव करते हैं तो हमारा कर्सर कंट्रोल होता है, और इस पर माउस की तरह राइट और लेफ्ट बटन्स होते हैं। इसके बाद हमने टच पैड के बारे में भी पढ़ा जो कि लैपटॉप में भी होता है और अलग भी आपको ये टच पैड बाजार में अवेलेबल है जिसको आप एक्सटर्नल डिवाइस के तौर पे अपने कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने टच स्क्रीन भी अपनी पढ़ी थी कि टच स्क्रीन जो है वो टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस होती है कि आप टच करेंगे तो उसको सेंस करेगी। वो डिफरेंट तरह की डिवाइसेस में इस्तेमाल हो रही है, स्मार्टफोन के अंदर भी, टैबलेट के अंदर भी, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसके अंदर भी और लैपटॉप कंप्यूटर उसके अंदर भी इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद हमने पॉइंटिंग स्टिक के बारे में पढ़ा था जो कि कीबोर्ड की कीज के दरमियान ही ये मौजूद होती है। ये जिस तरह पेंसिल इरेजर होती है बिल्कुल उसी तरीके से ये यहाँ पे छोटा सा बटन टाइप सा होता है, और ये प्रेशर सेंसिटिव है कि आप इस पर प्रेशर जब दबाव थोड़ा सा डालते हैं, फिंगर रख के थोड़ा सा उसको दबाना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, फिर आप उसको जिस साइड को मूव करेंगे तो कर्सर आपका स्क्रीन पे उस साइड को मूव करेगा। उसके बाद हमने ये डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट जो है इसको भी हमने यहाँ पे देखा था कि ये इस्तेमाल होता है और इसको अक्सर जो है वो यूज़ करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं इसको मुख्तलिफ किस्म की इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाने के लिए, मैप्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसके बाद हमने ये लाइट पेन के बारे में पढ़ा था कि ये हमारे पास हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको हाथ की मदद से काबू करते हैं और ये भी डिज़ाइनिंग के कामों के लिए इस्तेमाल होता है, इसको भी इंजीनियर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आज के टॉपिक में पॉइंटिंग स्टिक शामिल है वो जॉयस्टिक है हमारे पास, जिसको भी हम यहाँ से डायग्राम से देखते भी हैं और इसके बारे में यहाँ से पढ़ते भी हैं कि इसका क्या क्या पॉइंट उसमें लिखा हुआ है। जॉयस्टिक ये नॉर्मली इस्तेमाल होती है कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होती। आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं, ये इसका हैंडल होता है या इसको आप स्टिक कह सकते हैं, और एक इसकी बेस होती है, ये नीचे सारे का सारा ये एरिया जो है ये इसकी बेस कहला रहा है। जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, ये ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस है दैट कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल होना, जो मुश्तमिल होती है एक बेस है और एक स्टिक होती है। द स्टिक कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन, इसको हम किसी भी सिमत में मूव करवा सकते हैं। टू मूव एन ऑब्जेक्ट अराउंड द कंप्यूटर स्क्रीन, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट जो है जो भी हमने चीज सेलेक्ट की हो, ऑब्जेक्ट मीन एनी थिंग, पर्सन प्लेस और थिंग, किसी भी चीज के बारे में आप ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज कर सकते हैं, जिस तरह उर्दू में हम लोग यूज करते हैं इसम, इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं नाउन, ऐसे ही कंप्यूटर की फील्ड में इन दोनों चीजों के लिए लफ्ज यूज होता है, एक ऑब्जेक्ट है और एक एंटिटी है। ये चारों वर्ड्स का मीनिंग जो है
वो सेम है इसम नाउन ऑब्जेक्ट या एंटिटी पर्सन प्लेस और थिंग के लिए हम ये सारे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो भी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, चाहे वो एरो है, चाहे आपकी गेम अगर खेल रहे हैं कंप्यूटर की, तो उसमें आपने जो भी प्लेयर सेलेक्ट किया हुआ है, कारों वाली गेम खेल रहे हैं तो उसमें जो कार आपने सेलेक्ट की होगी, या आप कोई फायरिंग वाली या आप कोई फाइटिंग वाली अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें आपने जो वो पर्सन लिया होगा, जो आपने प्लेयर लिया होगा, उसको आप जो है वो मूव करेंगे। जब स्टिक हो तो वो पर्सन, वो ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे मूव करेगा। इट ऑल्सो हैज सम बटन्स, इसके ऊपर कुछ बटन भी होते हैं। बटन ये हम डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें इसके ये बटन्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे ये 3-4 बटन्स होते हैं। जो लोग कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं इसके जरिए, उनको तो इसके बारे में पता होगा, ख़ास तौर पे बॉयज़ को पता होता है इस बारे में, क्योंकि वीडियो गेम्स जब वो खेलते हैं तो उसके ऊपर बटन्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग डिफरेंट किस्म के काम करते हैं। किसी से फायरिंग होती है, किसी से ब्लॉकेज होती है, किसी से जो है वो वेपन चेंज होता है गेम के अंदर, तो डिफरेंट तरह के बटन जो हैं वो ये डिफरेंट काम करते हैं। द बटन आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन इन गेम्स, ये बटन जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं टू परफॉर्म काम करने के लिए। क्या काम करते हैं? डिफरेंट एक्शन हम परफॉर्म करते हैं इनके जरिए, मुख्तलिफ काम करते हैं गेम्स के अंदर, सच एज जंपिंग और शूटिंग। उसने दो एग्जांपल यहाँ पे बयान की हुई हैं। आप इन बटन के जरिए जंप भी जो है वो अपना प्लेयर आपने जो सिलेक्ट किया हो उसको लगवा सकते हैं, और शूटिंग भी आप, यानी फायरिंग या वेपन चेंजिंग वगैरह, ये सारे इन बटन के जरिए सेटिंग हो जाती है गेम के अंदर। द जॉयस्टिक आर कॉमनली यूज टू प्ले कंप्यूटर गेम्स, ये अक्सर जो है वो कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इस पॉइंटिंग स्टिक का सबसे लास्ट टॉपिक है, जिसका नेम है पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम। पेन बेस्ड मीन हम पेन की मदद से जो है वो इसके ऊपर राइट करेंगे। तो ये जो डिवाइस है हमारे पास, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज हुआ है वो इस पेन यानी स्टाइलस, जो हमने पिछले एक दो टॉपिक्स में भी हमने जिक्र किया था, ये स्टाइलस जो पेन लाइक डिवाइस है, इसकी मदद से हम लोग अपना काम करेंगे। इसकी मदद से इस डिवाइस के ऊपर लिखेंगे, जो कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास ये है, और इस डिवाइस के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ जो भी, यानी हमने ये स्टाइलस को पकड़ के जो भी लिखा होगा उसको रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, तो उससे हमारा जो है वो राइटिंग सारी हो जाती है। ये डिवाइस ऐसे काम करती, और ये डिवाइस कॉमनली यूज होती है अगर आपने अपने सिग्नेचर वगैरह रिकॉर्ड करने हों, या आपने कोई नोटिस वगैरह, मैं ये इनको सर्कल कर रहा हूँ आप इनको देख भी लें, कोई नोटिफिकेशन आपने अगर राइट करना हो, एक से ज्यादा जगहों पे आपने उसको प्रिंट करना हो, तो हम इस पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम की मदद से अपने सिग्नेचर या कोई नोटिफिकेशन या कोई नोटिस जो है वो हमने लिखना हो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके जरिए फिर वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है एज अ इमेज। फिर आपने जिस जिस चीज़ के ऊपर उस सिग्नेचर को प्रिंट करना हो तो आप वहां से एज अ इमेज जब हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा तो हम कंप्यूटर से उठा के उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। जिस तरीके से आपको एक कॉमन एग्जांपल है, हमारे पास स्टूडेंट्स बोर्ड का एग्जाम देते हैं, रोल नंबर स्लिप आती है उनकी, रिजल्ट कार्ड आते हैं, उस पर कंट्रोलर एग्जामिनेशन के सिग्नेचर्स होते हैं। अब वो हर साल बोर्ड के इतने हजारों लाखों बच्चे जो हैं वो पेपर्स देते हैं, तो उनकी रोल नंबर स्लिप भी हैं, रिजल्ट कार्ड भी हैं, फिर सप्ली वालों का भी इम्तिहान होता है, तो सारे रोल नंबर जो रोल नंबर स्लिप होती है उसके ऊपर, या सर्टिफिकेट जो मिलते हैं जो पोजीशन होल्डर्स को उसके ऊपर, या सर्टिफिकेट्स, या गवर्नमेंट कोई गेम्स करवाए तो उसके इनामात वगैरह जो मिलते हैं उसके साथ जो सर्टिफिकेट मिलते हैं उनके ऊपर ये सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, तो वो हर एक एक सर्टिफिकेट या रोल नंबर स्लिप के ऊपर वो सिग्नेचर नहीं किया गया होता, बल्कि इस डिवाइस के जरिए से सिग्नेचर को कैप्चर कर लेते हैं, सिग्नेचर को इस तरह करके कंप्यूटर में एज अ इमेज जो है वो स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद उस सर्टिफिकेट या रोल नंबर स्लिप जो है उसके ऊपर उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये डिवाइस इसलिए काम आती है। पेन बेस्ड सिस्टम इज यूज टू एंटर हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग मीन हाथ से अगर आपने कुछ लिखा हो और हाथ में आपने जो है वो फिंगर टच नहीं होता, बल्कि आपने स्टाइलस जो है उसके जरिए से इस पे काम करना होता है। एंड मार्क्स, हैंड राइटिंग या मार्क्स जो है इन कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर के अंदर अगर एंटर करने हो यूजिंग पेन लाइक डिवाइस, पेन की तरह की ये डिवाइस है, आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये स्टाइलस जिसको बोलते हैं, पेन की तरह ये दिखाई देता है, इसकी मदद से हम लोग लिखते हैं। दिस इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड स्टाइलस, यहाँ से लिख भी दिया कि इस इनपुट डिवाइस जिसको हम इस डिवाइस के ऊपर यूज करेंगे वो हमारे पास स्टाइलस है। द यूजर राइट्स वर्ड्स एंड सिम्बल्स ऑन द स्क्रीन, आप कोई वर्ड्स भी
कोई आपने अल्फाज लिखने हो या सिंबल आपने कोई अलामत लिखनी हो या आपने सिग्नेचर वगैरह जो है वो अपने करने हो तो वो आप स्क्रीन पे इसकी मदद से कर सकते हैं, स्टाइलस की मदद से इस डिवाइस के ऊपर कर सकते हैं। दिस सिस्टम यूजेस हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम जो है जो हमारे पास ये पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम, इसमें हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन रिकॉग्नाइज से है, इसका मतलब है पहचानना, कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होता है, यानी वो हाथ से लिखा गया कुछ भी हो उसको पहचानेगा। द सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट्स हैंड रिटन करेक्टर्स इनटू अ फॉर्म। ये सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर अब जो इंस्टॉल हुआ वो ट्रांसलेट करेगा जो भी आपने हाथ से लिखे हुए कुछ भी आपके जो सिंबल्स हों कोई आपके सिग्नेचर्स हों उनको इनटू अ फॉर्म, एक ऐसी फॉर्म में एक ऐसी हालत में उनको कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा, दैट कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस बाय कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर में स्टोर भी हो सकता है और फिर कंप्यूटर से हम उसके ऊपर मजीद जो प्रोसेसिंग है वो भी कर सकते हैं। मैनी हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैव पेन इनपुट। अक्सर जो हैंड हेल्ड जो हाथ की मदद से आप जिनको काबू कर सकें, हाथ में पकड़ के उसको इस्तेमाल कर सकें, उनके लिए जो है वो पेन इनपुट यानी पेन के जरिए ही उनमें हम इनपुट देते हैं कुछ भी लिखना हो। पेन बेस्ड सिस्टम्स आर कॉमनली यूज टू इनपुट सिग्नेचर्स। यहाँ उसने आपको एग्जाम्पल बयान भी कर दी जो बात हमने स्टार्ट पे पढ़ी थी कि पेन बेस्ड सिस्टम जो है ये कॉमन तौर पे आम तौर पे इस्तेमाल किस लिए होते हैं, टू इनपुट सिग्नेचर्स अगर आपने सिग्नेचर इनपुट करने हो और या मैसेज वगैरह आपने अगर स्टोर करने हो, दैट आर स्टोर्ड एज इमेज, जो कि एज अ इमेज जो है वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाते हैं और फिर आप उस इमेज को अपने किसी भी सर्टिफिकेट या रोल नंबर स्लिप या किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। आपको हाथ से हर डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर वगैरह करने की जरूरत नहीं रहती। तो यहाँ तक हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है। इसमें हमने 9 किस्म की पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस किया और इसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।